हेलो। हाँ, सेमेस्टर एक के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर एक का अरुण यह मधुमय देश हमारा काव्य का भावार्थ अथवा सारांश लिखिए। प्रश्न हम देखेंगे प्रस्तावना, भावार्थ या सारांश और निष्कर्ष के रूप में। तो अब देखते हैं प्रश्न का उत्तर। प्रस्तुत गीत हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध छायावादी कवि एवं नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस गीत की रचना कवि ने अपने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त के लिए की थी। यह गीत वहां से संकलित किया गया है। कवि ने अपने प्रायः सभी नाटकों में सुंदर गीतों की योजना की है। यह गीत भी राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति करता है। कवि ने चंद्रगुप्त नाटक में ग्रीस देश से भारत में आए एक युवती कार्नेलिया के द्वारा भारत की प्राकृतिक सुंदरता एवं इसकी श्रेष्ठता का मुक्त कंठ से गौरवगान करवाया है। कार्नेलिया राष्ट्रगीत के रूप में इसे गाती है। इसके माध्यम से कवि ने देश के अनुपम सौंदर्य एवं वैभव का गान करके अपने देश के बखूबी अभिव्यक्त किया कर दिया है। इस गीत में एक विदेशी नारी का भी भारत के अनुपम सौंदर्य एवं वैभव के प्रति गहरा आकर्षण व्यक्त हुआ है। साथ ही कवि की काव्य प्रतिभा एवं छायावादी शैली का भी अच्छा परिचय मिल जाता है। प्रस्तुत गीत अपने छोटे से क्लेवर में भी अपना प्रभाव स्थापित करने में पूर्णतः सफल सिद्ध हुआ है। अब हम देखते हैं कवि का भावार्थ। काव्य के प्रारंभ से ही कोमल कांत पदावली एवं तत्सम शब्दों की शोभा प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन को निखार देते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सहस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। कवि स्वदेश के गौरव को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हमारा यह स्वर्ग सा भारत देश मधुमय है, माधुर्य से परिपूर्ण है। ईश्वर ने मानो इसे विशिष्ट रूप दिया है, सुषमा दी है, मधुरता दी है। कवि को लगता है कि ईश्वर ने स्वयं इसे बनाया है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह ऐसे स्थान पर बसा है कि समूची पृथ्वी के आधारहीन क्षितिज को इसी धरती पर मानो सहारा मिल रहा हो, ऐसा लगता है। तात्पर्य यह है कि हमारे देश की तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमालय के होने से आकाश और धरती का सहज रूप से मिलन विश्व में केवल हमारे देश में ही संभव हुआ है। ऐसा सहन मिलन विश्व में किसी भी देश से में नहीं मिलता। कवि ऐसे मधुमय देश के प्रत्येक रूप से पुलकित हो उठा है। वह प्रातः काल में अंधकार से बाहर आए कमल पर नाचती हुई सूर्य की किरणों को देखकर विभोर हो जाते हैं। सूर्य की किरणें धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई वृक्ष की चोटी पर सबसे ऊंची फुनगी को छू जाती है। तब इस प्राकृतिक वैभव को देखकर अपने भावों को व्यक्त करने से नहीं रोक पाते और वह कहते हैं कि छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय शमीर सहारे। धरती पर हरियाली नाच उठती है, ऐसा लगता है कि उसमें नया जीवन प्रकट हुआ है, नया उल्लास पैदा हुआ हो। और इसकी लालिमा से लगता है कि किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। हरे रंग पर रिक्तम रंग के आवरण की कल्पना कवि की काव्य प्रतिभा का परिचय देती है। सूक्ष्म भाव व्यंजना के साथ नवीन उद्भावनाएं छायावादी काव्य शैली की विशेषताएं है। कवि प्रातःकालीन सौंदर्य की छटा को चित्रित करते हुए कहते हैं कि इंद्रधनुष के समान विविध रंगों के रंग में रंजित अनेक पक्षी शीतल सुरभित वायु के पंखों पर सवार होकर पूर्व दिशा में, जहां अरुण यानी कि सूर्य उदित हो रहा है, उस दिशा में उड़ते रहते रहे है, मानो वह कहीं उसका घोंसला हो।
उड़ते खड़ग, सॉरी उड़ते खग, जिस ओर मुंह किए समझ नीड निज प्यारा। कवि की कल्पना को भी मानो विहंग यानी कि पक्षी की तरह पंख लगे हैं, और वे कल्पना को भी मानो विहंग यानी कि पक्षी की तरह प्राकृतिक सुषमा वैभव के वर्णन में प्रसाद जी की काव्य कला चरम उत्कर्ष पहुंचती हुई दिखाई देती है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। प्रकृति का जीवंत वर्णन छायावादी काव्य की विशेषता है, और श्रृंगार भी। प्रसाद जी ने प्रकृति को मानव की चिर सहचरी भी कहा है। उपर्युक्त पंक्तियों में उन्होंने बादलों में काली कजरारी आंखें देखी है। ऐसा काव्यगत चमत्कार प्रसाद जी ही कर सकते हैं। काले काले कजरारी आंखों से बादल किसी नायिका की करुणा के समान जहां मचल पड़ते हो, जहां अनंत सागर की विक्षुब्ध लहरें जहां जहां तक पहुंचकर शांति और विश्राम का अनुभव करती है, यही हमारा मधुमय देश है। गीत की अंतिम पंक्तियों में प्रसाद जी ने रस की धारा बहा दी है। मनोरम लयात्मकता तथा संस्कृत निष्ठ पदावली के कारण काव्य सौंदर्य का श्रेष्ठ वैभव प्रकट हुआ है। देखिए कवि की कल्पना का काव्य कला का चमत्कार। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उंधते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में अद्भुत बिंब योजना की है, तो साथ ही मनोरम कल्पना का श्रेष्ठतम रूप में प्रस्तुत हुआ है। जब सुबह होती है अर्थात उषा काल होता है, तब आकाश में छाया हुआ अंधकार धीरे धीरे कम हो जाता है। तब आसमान के तारे फीके पड़ जाते हैं, जिसको कवि ने ऊंघते हुए कहा है। रात भर जागने के पश्चात अब उसे नींद आ रही हो, ऐसा कवि को लग रहा है। कवि उषा काल के मनोरम दृश्य को पूरी तल्लीनता से देखते हैं और महसूस करते हैं। वे इस दृश्य से विभोर होकर कह उठते हैं कि प्रातः काल के समय उषा देवी अपने सुनहले घड़े को लेकर जैसे मेरे लिए सुख भर लाई है, और इसकी मुख पर मुझ पर वर्षा कर रही है। तब रात भर जागकर रजनी रानी का पहरा देने वाले तारे अब थकान के कारण ऊंघते हुए दिखाई देते हैं। प्रसाद ने अपने एक अन्य गीत बीती विभावरी जागरी में भी उषा को एक नारी के रूप में चित्रित करते हुए कहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर बनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी की छायावादी काव्य शैली एवं सूक्ष्म भाव अभिव्यंजना के साथ राष्ट्र प्रेम की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अत्यंत कम शब्दों में कवि ने अनूठी बिंब योजना करके प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करके हमारे देश का मधुमेह होने का गौरव प्रदान किया है।